एचपीसीए को अनुराग ठाकुर ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अनुराग के प्रयासों से ही हिमाचल में एचपीसीए ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अन्य खेल संघों के मुकाबले एचपीसीए का चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है। हमारा प्रयास प्रदेश में टैलेंट को उभारने के रहेंगे, ये बात एचपीसीए के नव नियुक्त अध्यक्ष अरुण धूमल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। एचपीसीए को अनुराग ठाकुर ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अनुराग के प्रयासों से ही हिमाचल में एचपीसीए ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अन्य खेल संघों के मुकाबले एचपीसीए का चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है। हमारा प्रयास प्रदेश में टैलेंट को उभारने के रहेंगे, ये बात एचपीसीए के नव नियुक्त अध्यक्ष अरुण धूमल ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई बीसीसीआई में एचपीसीए को प्राथमिकता मिलेगी। एचपीसीए के सदस्य प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करते आए हैं और भविष्य में भी खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। अरुण धूमल ने कहा कि एचपीसीए चुनाव बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप करवाया गया है। उन्होंने कहा कि एचपीसीए एजीएम भी थी, जिसमें अनुराग ने जो प्रदेश और एचपीसीए के लिए किया है उसके लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच राठौर को भी बधाई दी गई। प्रदेश में अनुराग ठाकुर क्रिकेट को जिन ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, नई कार्यकारिणी उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेगी। अरुण ने कहा कि अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में एचपीसीए ने अभूतपूर्व प्रगति की है। अरुण धूमल ने कहा कि अनुराग ठाकुर पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार में है, ऐसे में जो जिम्मेदारी उन्हें एचपीसीए की मिली है उस पर खरा उतरने का वह और उनकी टीम पूरा प्रयास करेगी। एचपीसीए के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो टीम एचपीसीए को रन कर रही थी उसमें से एक सदस्य को छोड़कर अन्य सभी अपात्र हो गए थे और वो रिजाइन करके चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संविधान द्वारा बीसीसीआई ने उसे अपनाया। उसके बाद राज्यों को संविधान में बदलाव के दिशा निर्देश दिए गए। हमने बदलाव किया, जो भी सुझाव आते रहे उन्हें अपनाया गया, जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसे आदेशानुसार अपनाया गया, जो भी संकाय है उनमें कोई बात नहीं बचती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई है। अरुण ने कहा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में एचपीसीए ने दिया है। देखिए, आपको जैसा याद होगा जनवरी 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद जो टीम एचपीसीए को रन कर रही थी एक मेंबर को छोड़ के ऑल ऑफ देम बिकेम इनएलिजिबल और वो रिजाइन करके चले गए। उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ, बीसीसीआई ने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद स्टेट्स को गाइडलाइंस दी गई कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करें, हमने बदलाव किया। उसके बाद कुछ और उनकी सजेशन आई, वो इनकॉर्पोरेट की। उसके बाद कुछ और सजेशन आई, वो इनकॉर्पोरेट की। और उसके बाद फाइनली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत मान्य था उसकी कंप्लायंस की। जब बीसीसीआई से हमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला कि हाँ आपका ये जो नया संविधान है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे सम्मत है, उसको हमने रजिस्टर किया। बीसीसीआई ने गाइडलाइन फाइनल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कि कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस किया जाएगा, वो तय किया गया। उसी के तहत चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई जो रेटिफाई की गई बीसीसीआई द्वारा। उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन प्रोग्राम बनाया, उस इलेक्शन प्रोग्राम के तहत हमने कल और आज में वो इलेक्शन कंडक्ट कराया। मैं मानता हूँ जितनी भी शंकाएं हैं उनमें अब कोई बात बचती नहीं है, क्योंकि हमने जो भी अभी तक किया है वो न्याय सम्मत होते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके तहत किया है। उसके बावजूद एवरीबडी इज़ फ्री टू अप्रोच एनी कोर्ट दैट दे डिज़ायर। गौतम जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमने जो करना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हमने किया है, जो उनका अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा और क्या टिप्पणी कर सकता। सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी एचपीसीए को और ऊंचाइयों पे ले जाने? प्राथमिकताएं देखिए यही रहेंगी कि हमने एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में आज दिया है, चाहे धर्मशाला स्टेडियम की बात करो, अंतर स्टेडियम बिलासपुर के स्टेडियम लूणू मैदान में, या शिमला का 70 सब सेंटर का हमने फैसला लिया था, उसमें से आज 44 चल पड़े हैं, 18 पे काम हो रहा है, ताकि नई खेल प्रतिभाओं को उभारा जा सके।
हम उसी में प्रयासरत हैं। एक बड़ा अच्छा लीडरशिप विक्रम राठौर जी ने दी थी जब वो डायरेक्टर हेड कोच थे, उनके बारे में भी हमने प्रस्ताव पारित किया, उनको आज हिंदुस्तान की बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो एक हमने डायरेक्शन ली है टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रतिभाओं को, नई प्रतिभाओं को हम उभार सके ताकि हम देश विदेश में HPCA का और प्रदेश का नाम चमका सके। किसी ने कल्पना नहीं की थी जब अनुराग ठाकुर जी ने कार्यभार संभाला था कि प्रदेश का कोई बच्चा देश के लिए खेलेगा। और मेन क्रिकेट से पहले हमारी सुषमा वर्मा, उसने देश के लिए अपना स्थान बनाया, उसके बाद ऋषि धवन खेले, आज हमारी कई खेल प्रतिभाएं IPL में अपना नाम कमा रही हैं, देश विदेश में उनका नाम है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा अब ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपना नाम कमाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।